बिलासपुर जिले में कोटा क्षेत्र के 6 गांव में दलहन और तिलहन का रकबा बढ़ाने के लिए नई दिल्ली के एक संस्थान द्वारा पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी बीज मेले का आयोजन किया गया। पैरवी संस्थान दिल्ली द्वारा FAO प्रोजेक्ट के तहत आयोजित इस मेले के माध्यम से किसानों को दलहन और तिलहन फसलों के लिए बीज वितरित किए गए। साथ ही किसानों ने परंपरागत और देशी बीजों को प्रदर्शित भी किया। इस मौके पर किसानों ने बीजों का आदान प्रदान किया और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। किसानों ने इस आयोजन की सराहना करते हुए इसे खेती किसानी के लिए फायदेमंद बताया। हमको अच्छी तरह से लगा है हमारा कार्यक्रम में, और बीज भी अपने को तरीके से उसको उत्पादन करना है और उसके बाद खेती बाड़ी में तरीके से कर पाएंगे तभी। पहले हमला बढ़िया लगी और बीज मेला मार इसे बीज चना इसे उड़द मसूर तिली सरसों कोदो कुटकी सब कई प्रकार के आ रही से लगे रही से बीच में है। और आके देखें तो बड़ा अच्छा लगे जो बीज भंडार के जो आज प्रदर्शनी रहे से साहब मन जो बताएं कृषि विभाग वाले आए तो उनमें तो बड़ा अच्छा बताएं कि भाई पुराना पद्धति से खेती करना है, जैविक खाद से खेती करना है। जो आजकल वो खाद लिखे यूरिया यूरिया छोड़ के ज़्यादा ज़्यादा गोबर खाद का उपयोग करें ताकि खेत जो है अच्छा बने रहे और फसल भी अच्छा हो। कार्यक्रम में राज्य समन्वयक शैलेंद्र तिवारी ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में दलहनी और तिलहनी फसलों को बढ़ावा देना है। राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों में जो चावल प्रति क्षेत्र हैं, जहां लोग केवल चावल ही उगाते हैं ज़्यादा, वहां पे वो चाह रहे हैं कि चावल के अलावा भी जो दलहन तिलहन का हमारा जो फसल अब लगाना बंद कर दिए हैं लोग, उसको फिर से बढ़ावा देना और जो पुराने देसी हमारे बीज हुआ करते थे आदिवासी क्षेत्रों में उनका संरक्षण करना, क्योंकि उसमें बहुत सारे औषधि गुण होते हैं जिनको लोग अभी जानते नहीं हैं, परंतु वो बीज अब कम होते जा रहे हैं, तो वो उन बीजों को संरक्षित करने का एक ये प्रयास है। ये 3 साल का हमारा प्रोजेक्ट है, जो ये 2रा वर्ष है। कार्यक्रम स्थल पर कोविड से बचाव के प्रति जागरूकता के लिए एक स्टॉल भी लगाया गया था, जहां से ग्रामीणों को सैनिटाइजर और मास्क वितरित किया गया।